हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर वाटर में हम लोग ओशियन सर्कुलेशन यानी महासागरीय परिसंचरण के बारे में जानेंगे। तो जब हम बीच पर जाते हैं, समुद्र तट के किनारे, तो वहाँ की जो वेट सैंड है, नमी बालू जो होता है, कूल ब्रीज एंड सी वर्ड्स, और वहाँ की जो हवा में साल्ट का एक स्मेल भी आता है और वेव का म्यूजिक भी सुनाई देता है समुद्र के किनारे, ठीक है। तो और है जो पॉन्ड्स और लेक जो होते हैं, उसका पानी क्या होता है, शांत होता है उसमें जल का मात्र। लेकिन जो महासागर होते हैं, ओशियन का जल जो होता है, जो हमेशा मूवमेंट करते रहता है, गतिमान रहता है, ठीक है, और यह कभी भी शांत नहीं रहता है महासागर का जल। हम हैं जो महासागर की जो गति होती है, मूवमेंट को हम कैटेगराइज के रूप में हम वेव्स यानी तरंगे, टाइड्स यानी ज्वार भाटा एंड करंट्स यानी धाराएं, यानी तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइज किए हैं, वर्गीकरण, ठीक है। और फिर एक है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग पानी के संरक्षण करने के बारे में कुछ जागृत हों और पानी का संरक्षण करें, ओके। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर आगे जानेंगे हम लोग वेव्स के बारे में, तरंगे। तरंगे हैं क्या? तो जब महासागरीय सतह पर जल जब लगातार उठता है या फिर गिरता रहता है, तो उसे हम तरंगे कहते हैं, ठीक है। और जब हम बीच पर अगर कोई बॉल खेल रहा है, तो बॉल जब पानी में चला जाता है, तो वहाँ देखिएगा कि वेव्स जब आते हैं, तरंगे, तो उसके साथ ही बॉल भी वापस आ जाते हैं तट की ओर, ठीक है। इस तरह से वेव होता है। तो वेव एक और दिया गया है कि वेव आर फॉर्मेड विच वेन वाइंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, यानी कि जब समुद्र सतह पर जब हवा जब बहती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है। और द स्ट्रोंगर द वाइंड बिलो, यानी कि जितना तेज हवा पड़ेगी बहेगी, द बिगर द वेव बिकम्स, यानी जितना तेज हवा बहेगी उतना ही बड़ा तरंग उत्पन्न होगा वहाँ पर, उतना ही अधिक, ठीक है। फिर है आगे इसी में, जब तूफान में तेज हवा चलते हैं, तो विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण बहुत ही विनाश हो जाता है, बहुत क्षति होती है। और जब भूकंप या फिर ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, या फिर जल के नीचे जो भूस्खलन के कारण जो महासागरीय जल जो होता है, जो अधिक विस्थापित हो जाता है, तो इसके कारण कभी कभी 15 मीटर तक भी ऊंची ज्वारीय तरंग उत्पन्न होता है। तो उसी तरंग को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो सुनामी है जो, सुनामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुनामी है जो एक जापानी वर्ड, क्या चीज़ से बना है, जापानी वर्ड से बना है ये सुनामी है, जिसका अर्थ है हार्बर्स वेव यानी पोताश्रय तरंगे। क्योंकि जब सुनामी आता है, तो जो पोत होता है हार्बर्स, उसको डिस्ट्रॉयड नष्ट कर देता है वो, ठीक है।
और सुनामी तो 15 मीटर के जब ऊंचाई तक जब लहरा उठता है तो उस तरंग को हम सुनामी कहते हैं। और अधिक अभी तक सबसे विशाल विशाल सुनामी है जो 150 मीटर तक आया है। सोचिए 150 मीटर तक लहरा उठा है और ये तरंगे कम से कम 700 किलोमीटर पर हावर से अधिक ही गति में चली है। और इंडिया में सुनामी 2004 में आया था जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट को डुबो दिया था, जिससे बहुत ही अधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, ओके।